आज हम चले कहाँ, फिर से प्रैक्टिकल पे। कहाँ जाएंगे? प्रैक्टिकल पे। कुछ डीसी, कुछ डबल डोर जीएनएफ। जीएनएफ को भी समझना है आपको। उससे पहले आपको मैं ले जा रहा हूँ एसी की ओर, ताकि जब गैस चार्जिंग होगा तो सारा चीज एक ही है, सारे का सिम्टम एक ही है। राम को काटो, घनश्याम को काटो, ठीक है, एक राम को काटो, निकलेगा वही चीज। क्या क्या निकलेगा पेट काटने के बाद? चलो पहला खून, दूसरा रेफ्रिजरेंट। कैसे निकलेगा यार राम श्याम में? भाषा में नहीं, हम तो अभी मनुष्य की बात कर रहे हैं। बोलो एक राम में क्या क्या निकलेगा? खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। पेट काट रहे हैं तो आंख कैसे निकाला भैया? तो इतना चीज जान जाओ कि किसी चीज का गैस चार्जिंग, चाहे वो डीसी हो, डबल डोर हो, जीएनएफ या एयर कंडीशन हो, तीनों एक ही चीज है। तो ये जो बोलता है कि 3 घंटा हमको प्रैक्टिकल कराइए, तो मैं पहले थ्योरी पढ़ा लूंगा। मेरा पढ़ाने का अंदाज एकदम अलग है। बीएसडी में भी लोग यही बोलता था कि खाली थ्योरी पढ़ाते हैं और एक दिन बैठ जाते हैं और 5 दिन तक खाली प्रैक्टिकल कराते हैं। अरे जानोगे तब तो प्रैक्टिकल करोगे, जिस चीज के बारे में जान ही नहीं गए हो तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? चलो हम आज से केवल प्रैक्टिकल कराते हैं, थ्योरी साफ। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा। आपको पूरा काम करने आ जाएगा, लेकिन अगर कंज्यूमर या कस्टमर आपसे कोई सवाल करता है, इंटरव्यूअर सवाल करता है, तो आप बहुत माहिर खिलाड़ी हो गए, लेकिन आपके पास जवाब नहीं। और जिसके पास जवाब होता है वही आदमी आगे बढ़ता है। हम बहुत काम कर लेते हैं, कुछ नहीं, मेरे पास थ्योरी है। जैसे ही पूछता है कोई सवाल, जवाब है मेरे पास, तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। और लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। पांडे सर देखे नहीं है हमको, कि हम भी झोला ऐसे बहा के भागे चले जाते थे काम करने। तो थ्योरी मेरा मजबूत है, तो थ्योरी जिसका मजबूत होगा वो धीरे 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 क्या होगा कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आप एकदम आराम से रहिए, शर्ट पैंट खूब बदलिए, टाई भी लगाइए, टोपी भी लगाइए, गॉगल्स भी लगाइए, कार से चलिए, स्कूटर चलिए, मोटरसाइकिल से चलिए। आपका काम हो जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर मतलब समझते हो? ठेकेदार। मतलब कि वो ठीका पे जब आप काम उठा लिए, आप पकड़ो ना, 15-10 आदमी तो ऐसे मिल जाएगा तुमको, चलो सबको 500-500 रुपया देंगे। क्या करना है भाई? सबको सर्विसिंग करना है और सब में बिना मतलब का गैस लिखना है कि सब में गैस टॉपअप हुआ, 500 रुपया सर्विसिंग और 800 रुपया टॉपअप। तो 500-500 तो सब में बांट दिए, 800-800 रुपया जो बचा वो तुम्हारा हो गया। तो थ्योरी मजबूत रहेगा तब ना। तुमसे जब जेई बात करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बात करेगा, या फिर जिसके वो रख रखाव में होगा वो बात करेगा, वो आपसे पूछेगा तो बोलेगा हमको सब काम मालूम है, तो आप एस्टिमेट कर दो यार। तो एस्टिमेट जब देने जाओगे तो वहां हो जाएगा गड़बड़ होगा, इसलिए कि आपके पास थ्योरी है नहीं। थ्योरी नहीं है तो आप मिस्त्रियों वाला भाषा बोल देंगे कि सर एकरा में तो लगता है कि गैस भी लीकेज है और पंखा नहीं चल रहा है, और ई वाला जब हम चेक किए तो एकरा में सब चीज ठीक है सर, खाली धूरी बैठल है। ई वाला चेक किए एकरा तो पीसीओ भी नहीं ऑन हो रहा है। तो इस तरह से एस्टिमेटिंग नहीं होता है। आप पहले एस्टिमेट कीजिए, अपने खुद चेक कर लिए, आपके पास थ्योरी है, थ्योरी चेक कर लिए और उनके पास एक एस्टिमेट दे दिए कि इतना में ये सारा मशीन बन जाएगा, वो उसमें कम कराएगा। तो आप इतना बढ़ा के लिखेंगे कि उसमें उतना कम भी हो जाएगा तो कोई मायने नहीं रखता है। अब तुम 2 बंदा पकड़ लो, 3 बंदा पकड़ लो जो कि सारा काम जानते हैं, ठीक। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः का वहाँ रिपोर्ट दे दो कि इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें शाम में 5 बजे तक सब हो जाना चाहिए। दिन भर खट रहा है, तुम आके अपना खाना खा के धूप घर में सोए हुए, पैसा ऐसे कमाया जाता है, खट के नहीं पैसा कमाया जाता, बुद्धि से। तो बुद्धि कहाँ से आएगा? थ्योरी से। तो थ्योरी जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगा। हाथ खोल के बैठे, हाथ बांध लेने के बाद ना आदमी विश्राम रूप में हो जाता है, ठीक। हाथ खुला हुआ हुआ
पैर आगे की ओर होना चाहिए, मोड़ के मत बैठिए। ये सब बैठने का भी एक तरीका है, ये सब सॉफ्ट स्किल में आता है। सॉफ्ट स्किल का कोई बंदा आ जाएगा जो पैर अंदर किए हुए, हाथ मोड़े हुए इस तरीके से, वो समझ जाएगा कितना आपके पास सॉफ्ट स्किल है। ठीक, किसी से बात करने के बाद, जैसे हम अभी कस्टमर से बात कर रहे हैं, कंप्रेसर खराब है, पैर भी हिल रहा है, तो पूछे कितना पैसा लगेगा। 5500 रुपया लगेगा सर, उससे एक पैसा कम नहीं होगा। बाप रे बाप, उसमें कॉपर ऊपर सब लगाना है। जल्दी बोलिए, हमारे पास समय नहीं है, निकलेंगे। ते हुए बैड मैनर, ठीक है। कस्टमर से जब बात होगी, अगर मेल मेंबर है तो उससे हम ऐसे करके बात करेंगे, हाथ पीछे करके, कमर पे नहीं, पीछे आराम से बात करें, सर इसमें कंप्रेसर खराब है और इतने पैसे का इसमें खर्च है। आप अगर एग्री हैं तो मैं बना दूंगा, अगर एग्री नहीं है तो फिर मेरा जो सर्विस चार्ज है सर वो दे दें, मैं जाता हूँ। लेकिन ये सर्विस चार्ज 1 मंथ के लिए वैलिड है। अगर 1 महीने के अंदर में आपको लगता है कि आप बनवा लें, तो ये सर्विस चार्ज आपको जितना हमने बताया था उसमें ये माइनस हो जाएगा। ठीक, लेडी है तो लेडी से कितना मिनट तक हम आँख मिलाने के लिए बोले हैं? 13 सेकंड। मिनट हमने क्यों बोला? हम जान गए, कोई ना कोई बोलेगा 13 मिनट, लेकिन कोई बोला नहीं, वो बंदा याद रखा था। 13 सेकंड तक आंख मिला के बात करना है, ताकि हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। उसके बाद आपका नजर नीचे हो जाना चाहिए। ये नहीं कि उसे बताया, अरे भाभी जी क्या बात करती है, चलिए ना आप, हो जाएगा 4400 हो जाएगा। कहां 55, कहां 44, प्रॉब्लम आ रहा है ना? यहां क्या हो गया, फेलियर कैसे हुआ? यहां अट्रैक्शन हो गया, फेलियर कहां हुआ? भाभी इतनी खूबसूरत थी कि इसका मन पिघल गया, छोड़ो यार यहां से नहीं कमाएंगे, चलो कम से कम 2 घंटा भाभी को तो देखेंगे, उससे तो बात करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बिजनेस में भाभी, चाची, दादा, दादी सब मिलेंगे, ठीक है, वो आपका बिजनेस है, उस पैसे से आप अपना घर चलाएंगे। अगर वहां मरम्मत कर दिए तो क्या हुआ, आपका जितना पूंजी था वो चला गया, हो सकता है कि लॉस में भी जाए, प्रॉफिट में ना आए। तो ऐसे भी बंदे होते हैं। मर्द एक इस किस्म का इंसान है कि उसकी नजर किसी भी लड़की पे पड़ती है तो वो गंदी नजर से ही देखता है। इसको कोई अगर गलत कर दे हमको, तो मैं उसको सही चीज फार्मूला सब बता दूंगा। ये इंसान की फितरत है मर्द जाति का, ठीक, हमेशा होता है। सुंदर देख के मन पिघलता है, तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा तो काम ही अलग है, तुमको तो भागना है जल्दी जल्दी, तो तुम किसको देखोगे, घोड़ा का तो इजला होगा, तुमको सीधे जाना है। लेकिन जो आदमी आराम से बाइक लेके जा रहा है, देखो वो ऑटो पे अगर एक लड़की देख लिया तो थोड़ा सा गाड़ी धीमा कर लिया, अरे इतने बार देखे, 2 बार देखेंगे, ठीक है। ये सारा सिस्टम हमको मालूम है। हाँ, तुम नहीं किए हो, मैं तो किया हूँ, मैं तो बता रहा हूँ वो सारा चीज। मैं भी इतना बड़ा थोड़ी पैदा हुआ था माँ के पेट से, बच्चा हूँ, बच्चा जवान हूँ, जवान से बूढ़ा, किए होंगे तो सब। लेकिन इस चीज को समझो, जैसे जैसे इस लाइन में आओगे तो ये लाइन है होम अप्लायंसेस। होम अप्लायंसेस को रख रखाव बनाने का सारा जिम्मेवारी औरत को होता है कि ये मशीन खराब है, वो मशीन खराब है। अब उसके घर पे मेल मेंबर है या नहीं, जाना आपको है। आपका नेचर सही होना चाहिए। क्या आप मैट्रिक पास बेरोजगार हैं? आपको तलाश है कोई अच्छा सा जॉब का जिसमें आप रोज हजारों कमा सकें? अगर हाँ तो फिर आपके लिए है खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आइए गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स राय कॉलोनी एम्स रोड फुलवारी शरीफ पटना में, क्योंकि गिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पेश करते हैं आपके लिए 3 महीने का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कोर्स।
जिसमें आपको सिखाया जाएगा फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव रिपेयरिंग एंड इंस्टॉलेशन, सॉफ्ट स्पोकन और कस्टमर रिलेशन।